ये मामला एक हमें कंफ्यूजन था और उस समय किसी और हितों को साधने के लिए हमने ये FIR करा दी थी। अब आप सोचिए, ये हमारे लीगल सिस्टम पर मेरी एक टिप्पणी है कि 2017 में वो उन्होंने उस केस को वापस लिया और लिख कर दिया कि ये केस झूठा है, हम खुद आपको बता रहे हैं कि ये सही नहीं है। और तो भी उस केस को बंद होने में 2022 का समय लगा, 5 साल लगे। उसके बाद जब ये केस बंद हुआ तो एक तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसमें अपनी एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर मुझे सब बाहर आना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए मुझे अदालत ने बरी कर दिया, क्लीन चिट मिल गई, ये केस झूठा था, जो शायद कोई भी करता। लेकिन क्योंकि मैंने 10 साल तक कभी इसके बारे में बात नहीं की, मैं चुप रहा हमेशा। और मैं ऐसा नहीं कि मुझे खुशी होती थी, खून का घूंट पी के मैं हमेशा चुप रहता था और तब भी मैं चुप रहा। 2022 में ये केस बंद होने के बाद अब 2023 तक भी मैंने 1 साल में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। पर अब मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका स्टेटस ये है, वो केस बंद हो चुका है, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता था, बट आज सार्वजनिक तौर पर मैंने आपको सब स्पष्ट कर दिया, दैट केस डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। उस केस में मैं दोषी नहीं पाया गया, अदालत ने मेरा कोई दोष किसी भी जगह नहीं पाया, इन्वेस्टिगेटर्स ने यानी पुलिस ने मेरा उसमें कोई दोष नहीं पाया और इसीलिए अदालत ने उसे बंद किया। अब आप अगर अदालत के फैसले को भी चैलेंज करना चाहते हैं या आप उसको भी झूठा साबित करना चाहते हैं तो वो किसी की मर्जी हो सकती है।